टू ऑल, उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा हो, ट्राई किया हो और आपको पसंद भी आई हो। और जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी इजी और टेस्टी रेसिपी की नहीं मिलेगी। तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज मकर संक्रांति है, तो आज मैं आपको तिल के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। तिल जो बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है और सर्दी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए अपने तिल के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने तिल ले लिए हैं, ये आपको बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप ऑफ तिल लिया है और 1 कप ग्रेटेड गुड़ लिया है। इसको हम सॉफ्ट करके ही अपना डो बनाएंगे लड्डू बनाने के लिए। सबसे पहले हम अपने तिल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इसके अंदर एक क्रंचीनेस आ जाए। अपने गर्म पैन के अंदर हम अपने तिल को डाल लेते हैं और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे इसके कलर चेंज होने तक। इसको कॉन्टिन्यूसली हम लोग स्टर करते रहेंगे ताकि हमारी नीचे से तिल जल ना जाए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। देखिए हमारे तिल ने अच्छे से क्रैक होना स्टार्ट कर दिया है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इसको इतना होने में 2 या 3 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अपने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। हमारे तिल अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें दरदरा कूट लेते हैं अपने मिक्सी की जार में। इसको हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल दरदरा सा रखना है। हमें कॉन्टिन्यूसली नहीं चलाना है, नहीं तो हमारा बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा तिल का। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और दरदरा होगा। अपना जार बंद कर देते हैं और अपने तिल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप अपना गुड़ अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है। अब इसमें हम अपना कूटे हुए तिल मिलाएंगे। इसमें हम अपनी बारीक कुटी हुई इलायची, ये मैंने 5 से 6 इलायची को कूट के उसका पाउडर बना लिया है, और हमारे बचे हुए सीड्स और 2 टेबलस्पून देसी घी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे गुड़ और तिल अच्छे से मिल गए हैं, अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा लड्डू अच्छे से बाइंड हो गया है। आप अपने हिसाब से साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। कितने बने? 9। हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हैं और 1 कप और 1/2 कप तिल के अंदर हमारे ये 9 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप लोग खाइए, खिलाइए और मकर संक्रांति को एंजॉय कीजिए। और मेरी ऐसी ही इजी और सिंपल रेसिपी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।